दिस वीडियो इज को स्पॉन्सर्ड बाय अबुदय पाइल्स हॉस्पिटल। शहर में एक और जहां क्राइम रेट में कमी के कारण लोगों और पुलिस को हल्की सी राहत मिली थी, वहीं रोजाना चोरी के एक नए मामले के सामने आने से ये राहत एक बार फिर चिंता में बदल गई है। हाल ही में चोरी का एक नया मामला शहर के कलन्ना क्षेत्र से सामने आ रहा है, जहां एक मकान की ताला लगी कुंडी तोड़कर अज्ञात चोर घर में घुस गए। अलमारी में रखे गहने व नकदी सहित करीब 1,54,000 रुपए का माल चुरा कर फरार हो गए। मिली जानकारी के अनुसार मिनी माता नगर कलमना नागपुर निवासी विजय गणपत शिंदेकर ने कलमना थाने में चोरी की शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने पुलिस को बताया कि बीते मंगलवार 1 नवंबर को रात करीब 10 बजे मकान का ताला बंद कर वो अपने परिवार के साथ रेणुका माता मंदिर माहूर में दर्शन के लिए गए हुए थे। इसी दौरान अज्ञात चोर उनके मकान का ताला बंद कुंडी तोड़कर अंदर घुस गया। चोर कमरे के अंदर रखी लोहे की अलमारी से नकदी 9,000 रुपए व सोने चांदी के गहने सहित करीब 1,54,000 रुपए का माल चुरा कर फरार हो गया। कलमना पुलिस निरीक्षक ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल अज्ञात चोरों का कोई भी पता नहीं चल पाया है। अपने ऊपर हुई इस चोरी की अधिक जानकारी दी है खुद पीड़ित परिवार ने। देखिए महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए अविनाश तोतड़े की रिपोर्ट। मेरा नाम विजय शिंदेकर है, मैं मिनी माता नगर में रहता हूँ। मैं 1 तारीख को 10 साढ़े 10 बजे के बीच के आसपास में माहूर गया था, और माहूर जाने के बाद में मेरी पूरी फैमिली के साथ में गया था और मेरे रिलेटिव्स के साथ में। वहाँ से मुझे सुबह 7 बजे फ़ोन आया, जब मैं वहाँ पर था सामने वाले का फ़ोन आया कि भैया आपने घर पे लॉक नहीं किए हो। तो मैंने बोला लॉक तो करके आए, नहीं बोले लॉक नहीं किए हो। तो फिर मैं उनको वीडियो कॉल किया, वीडियो कॉल करके बोला तुम अंदर जाओ और दिखाओ क्या क्या हुआ है। तब मुझे पता चला कि अंदर वाली अलमारी से कुछ गहने और 10-12 हज़ार रुपये कुछ कैश थी वो गए हुए हैं। वहाँ पर रहते हुए मैंने मेरे भाई को कॉल किया था, मेरे भाई बाजू में रहते हैं, 2-4 गली के बाजू में। उनको कॉल किया, उनको बोला घर पर ऐसा ऐसा हो गया, आप जाओ और पुलिस रिपोर्ट डाल दो। तो उन्होंने स्टार्टिंग में 100 नंबर पर डायल करके ये किया, और बाद में पुलिस वाले वगैरह 3-4 राउंड हुए उनके, उन्होंने इंक्वायरी वगैरह किया। उसके बाद में मैं जब गाँव से घर आया तो आते बराबर मुझे कलमना पुलिस स्टेशन में बुलाया गया था। तो मैं डायरेक्ट वहाँ कलमना पुलिस स्टेशन में गया, वहाँ पर मैंने FIR वगैरह दर्ज कराई, और इधर भी पुलिस वाले आए थे, अपने फॉरेंसिक वाले भी शायद आकर गए, क्योंकि मैं तो पुलिस स्टेशन में था, घर के लोग बता रहे, फॉरेंसिक वाले भी आकर गए, कुछ फिंगरप्रिंट्स वगैरह लिया, जो गुल्लक होता है पैसे जिसमें जमा करते हो, गुल्लक भी उन्होंने चोर के लेके गया, उसमें भी 5-6 हज़ार रुपये तकरीबन थे। कुछ आवाज़ें बोले तो जो बाजू में मेरा घर ही है वहाँ जो किराए वाले रहते हैं, उन्होंने रात को करीबन 1:30 बजे एक आदमी को देखा था जो मेरे घर के बाहर में खड़ा था। तो उन्होंने देखा, और जैसे उनको उन्होंने देखा उनको, तो वो यहाँ से गली से निकल गए। तो शायद से 1:30 बजे के बाद में और 3-4 बजे के करीब की घटना हो सकती है। कलमना पुलिस स्टेशन से यही मांग है मेरी कि मेरा जो सामान या जो भी मेरा नुकसान हुआ है वो मुझे जल्द से जल्द तलाश करके दे, और जो भी गुनहगार है उसे सजा मिलनी चाहिए। मेरा नाम विजय गणपतराव शिंदेकर। बॉस ने मीटिंग बुलाई। बाहर बाहर उठो भाई। तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर फिशर भगंदर पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार। कॉल या विजिट करें www.pilesfistulacure.com।